तो अभी एक सॉरी स्क्रीन प्रेजेंट करनी है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन है अपने पास। अपने को डाटा गिवन है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ 48 मीटर है, हाइट 34 मीटर है, विड्थ 40 मीटर है। इसकी जो लोकेशन है वो कलकत्ता में है, कैटेगरी 2 के अंदर में आ रही है। जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री है और वो विंडवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। स्टोरी हाइट मतलब एक स्टोरी की जो हाइट है वो मेरी होगी 3 मीटर की, जिसका लाइफ स्पैन है वो 50 ईयर्स का है। इसके आसपास में जो हिल है उसकी हाइट 900 मीटर है, लोकेशन फ्रॉम क्रेस्ट 200 मीटर है। ये मैं समझा दूंगा आपको आगे क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद फ्रेम स्पेसिंग जो है 4 मीटर है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार सभी को? विंड प्रेशर कैलकुलेट करना है अपने को, है ना, ठीक है। हाँ जी बोलो। सर ये सर वापस से एक बार रिपीट कर दीजिए ना। एक्चुअली मैं वो कॉपी लेने चली गई थी जो। नहीं क्वेश्चन है सिर्फ, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, क्वेश्चन लेंथ 48 मीटर, हाइट 34 मीटर, विड्थ 40 मीटर, लोकेशन कलकत्ता, कैटेगरी 2, थीटा 10 डिग्री, स्टोरी की हाइट 3 मीटर, लाइफ 50 साल की है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान से देखना, समझना ध्यान से कि देखो मैंने यहाँ पर ये जो आपकी लेंथ है, अपने लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 48 मीटर और विड्थ गिवन है अपने को लगभग 40 मीटर। मैंने इसका टॉप व्यू बना दिया है, ठीक है। और ये सामने से जो फ्रंट व्यू है, देखो ये इसकी जो है विड्थ है वो इसकी 40 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो जनरली अपनी 34 मीटर है। ठीक है, अपनी हाइट कितनी है 34 मीटर। अब उसने अपने को गिवन है कि स्टोरी हाइट जो है वो 3 मीटर है, तो अपन क्या करते हैं कि ऊपर का जो 1 मीटर है मतलब किसी भी छत का, तो जो आपकी जो मतलब वॉल होती है, जो सपोर्टिंग मतलब जो वॉल होती है ऊपर की, पैरापेट वॉल बोलते हैं उसको, तो वो लगाते हैं। तो अपन 3 3 मीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो अपने पास ये जो है ये 11 माले की बिल्डिंग अपने पास आ जाती है। और उसने एक और चीज दी हुई है, फ्रेम स्पेसिंग इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये 4 मीटर की फ्रेम स्पेसिंग है, तो इसके अंदर जो है 10 स्पेसिंग आ जाएगी, तो 10। और ये इसकी जो हाइट होगी, स्टोरी जो होगी, अपने पास 11 मंजिल की बिल्डिंग अपने को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं जनरली, देखो मेरी बात सुनो, अपन जो फोर्स फाइंड करते हैं वो जनरली ये जो नोडल होते हैं, जो उसके पॉइंट्स होते हैं वहां पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सभी को पता है, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मेरा फॉर्मूला होता है जो डिजाइन प्रेशर का, वो फॉर्मूला होता है PD इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर। सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला क्यों? सभी को पता है वाला फॉर्मूला, यस सर। यस सर। पी डिजाइन जो होता है 0.6 इंटू वी जेड का होल स्क्वायर होता है। अब वापस वी जेड का मैंने आपको बताया था, ये डिपेंड करता है VB पे, क्यों? वी जेड क्या होता है, K1 K2 K3 इंटू VB अपना होता है, ठीक है। और VB जो होता है अपना 50 मीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है, सॉरी अपने को सिटी का नाम दिया हुआ है कलकत्ता का, तो अपन सबसे नीचे जाएंगे अपेंडिक्स ए में, शायद 57 पेज नंबर पे, 53 57 पेज नंबर पे अपन जाएंगे अपेंडिक्स ए में, कलकत्ता के सामने डिजाइन विंड स्पीड देखेंगे, बेसिक विंड स्पीड देखेंगे। वहां पर तो अपने को जो विंड स्पीड मिलेगी वो मिलेगी मेरी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसमें कलकत्ता का है ये देखो,
ये कलकत्ता दिख रहे 50, कलकत्ता दिख रहा है 50 क्यों? हेलो, कलकत्ता में 50 दिख रहा है ना अपना। तो सर, बेसिक विंड स्पीड अपनी जो वीबी की वैल्यू आ गई अपने पास यहां से अपेंडिक्स ए में से, जो कि आपका गिवन है पेज नंबर 53 पे। तो यहां से आपने जो है बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट कर ली। पेज नंबर 3 पे आता है, ठीक है, इसके बाद अभी जो अपन फॉर्मूला लगाने वाले हैं, VZ इज इक्वल टू K1 K2 K3 इनटू VB। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो K1 होता है वो अपना होता है रिस्क फैक्टर, ठीक है, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है टेबल नंबर 1 से। तो अपन चलते हैं टेबल नंबर 1 पे वापस। ये देखो यार, ये भी गलत लिखा है, ये भी जेड है। फिर ऐसे बना, इसके बाद ये ऐसे। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जो यहाँ पर टेबल नंबर 1 है तो यहाँ पर जो अपनी बेसिक विंड स्पीड है वो है 50, और मैंने वहां पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसकी जो लाइफ है वो 50 साल है। तो इसके 50 के सामने और सॉरी 50 के नीचे, तो यहाँ पर जो मेरे पास K1 की जो वैल्यू आई मेरे पास इस वाली जो टेबल नंबर 1 है जो कि पेज नंबर 11 पे गिवन है आपको, तो वहां से मेरे पास K1 की वैल्यू आ गई 1। यहां तक क्लियर है सभी को K1 की वैल्यू तक? हेलो, K1 की वैल्यू समझ में आ गई? देखो आवाज आ रही है मेरी सभी को? K1 यस तक क्लियर है? सर, हाँ सर, आ गया केवल। थोड़ा बोलते रहो यार, क्योंकि मेरे को ठीक है। अब अपन बात करते हैं K2 की। जो है K2 है ये अपना टेरिरियन हाइट एंड स्ट्रक्चर फैक्टर, जो कि अपने टेबल 2 से अपने को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो क्लास फाइंड करनी होती है अपने को, उसकी डेफिनेशंस जो है वो पेज नंबर, क्लास जो है उसकी डेफिनेशन अपने को पेज नंबर 11 पे दी हुई है। तो अपने पास 3 टाइप की क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मैंने आपको नॉर्मल जब पहले पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बता चुका था कि जिसकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन अगर 20 से कम है, बिल्डिंग की ग्रेटेस्ट लाइक विंड सॉरी विड्थ हुई, लेंथ हुई या हाइट हुई, तीनों जो डायमेंशन में से कोई सी भी डायमेंशन अगर 20 से कम हुई तो वो अपना आता है क्लास ए में, अगर 20 से 50 के बीच में हुई तो वो अपना आता है क्लास बी में, और 50 के ऊपर हुई तो वो अपना आता है क्लास सी में, ठीक है। तो वहां से अपने को K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेबल 2 से। तो अपन टेबल नंबर 2 पे चलते हैं। इसकी जो क्लास है, क्योंकि अपनी हाईएस्ट डायमेंशन 48 मीटर है, तो अपने को जो है ये क्लास बी में पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है यहां पर। और मैंने क्वेश्चन में शुरू में जब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था तो वहां पर मैंने आपको कैटेगरी 2 दी हुई है। ये देखिए कैटेगरी 2 क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। तो कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। मेरे को देखना है कैटेगरी 2, उसके अंदर क्लास बी। अब मेरी जो हाइट है बिल्डिंग की, ये देखिए यहाँ पर जो आपकी वाई एक्सिस या ऐसे बोल लेते हैं अपन, तो जो हाइट है वो गिवन है आपको 10 मीटर से चालू है, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। अपने को फाइंड आउट करना है 50 मीटर, लेकिन विंड का जो प्रेशर है वो अलग अलग हाइट पे अलग अलग आता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो K2 की वैल्यू है वो डिफरेंट मतलब वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अपन कैलकुलेट नोट कर लेंगे यहां पर। तो 10 मीटर पे मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 0.98, 15 मीटर पे मेरे पास जो वैल्यू आई वो 1.02, 20 पे जो आई 1.05, 30 पे जो आई 1.10, और 50 पे जो आई वो 1.15। लेकिन मेरी जो बिल्डिंग की हाइट है वो तो 34 ही है। तो अब यहाँ 30 और 50 के बीच है, मुझे क्या करना है? इंटरपोलेशन। आपने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सीखा है इंटरपोलेशन करना, ठीक है। नहीं होता है तो मैं एक बार वापस आपको बता दूंगा अभी।
तो अभी देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर मेरे पास जो हाइट है 10 मीटर पे मेरे पास K2 की वैल्यू 0.98, 15 मीटर पे मेरे पास K2 की वैल्यू 1.02, 20 मीटर पे K2 की वैल्यू 1.05, 30 मीटर पे 1.10 एंड 50 मीटर पे 1.15। अब मुझे फाइंड आउट करना है 34 पे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 30 का जो वैल्यू है 1.10 वो प्लस करूंगा, ठीक है, दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस 0.05 वो निकालूंगा, अपॉन इन दोनों का डिवाइड उससे डिवाइड करूंगा 50 - 30, और इन दोनों के डिफरेंसों से वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी इंटरपोलेट करने की, आई थिंक इंटरपोलेशन समझाने की जरूरत है क्या? अरे सर बिल्कुल जरूरत नहीं, इंटरपोलेशन आता है सर। आते हैं सभी को, यस आता है तो बता दो मेरे को, वैसे मैंने यहां पर लिख रखा है। देखिए अपन क्या करते हैं, अपने को 30 से ऊपर जाना है, तो मिनिमम वैल्यू अपनी 30 वाली है, तो 1.10 तो एज इट इज आ गई। अब उसमें प्लस करनी है अपने को थोड़ी सी वैल्यू, मतलब 34 तक जाना है अपने को, तो 34 - 30 मतलब 4 से उसे अपन ने इंटू कर दिया, और 50 by 30 20 से उसे अपन ने डिवाइड कर दिया, और इन दोनों की जो वैल्यू है उसको आपस में मतलब माइनस कर दिया। तो यहां पर मेरे पास इंटरपोलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई वो मेरे पास K2 की वैल्यू आ गई 1.11, ठीक है। तो अब मेरे पास K2 की 5 वैल्यू हो गई डिफरेंट हाइट के लिए, ये 34 मीटर पे मेरे पास K2 की वैल्यू आई है, ठीक है। K2 की वैल्यू मेरे पास 34 मीटर के लिए आई है, तो यहां देखिए मेरे पास 10 पे 0.98, 15 पे 1.02, 20 पे 1.05, 30 पे 1.10 एंड 34 पे 1.11, ठीक है। ये मेरे पास आफ्टर इंटरपोलेशन अपने को वैल्यू मिल गई। अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी वो है K3 को कैलकुलेट करना। K3 को कैसे कैलकुलेट करना है अपने को, तो देखिए अगर थीटा 3 से कम होता है, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं, अगर थीटा 3 से कम होता है तो आपको किसी भी टाइप की किसी भी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है आपको, अगर थीटा आपका, तो आपको सीधे 1 ले लेनी है K3 की वैल्यू अपेंडिक्स। अब देखिए यहाँ पर जो अपने पास, मैंने थोड़ा सा अलग वाला फैक्टर लिया है, 10 डिग्री लिया है इस क्वेश्चन में, तो अपन जो K3 की अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब यहाँ देखना अपना जो थीटा है वो पड़ रहा है 3 डिग्री से 17 डिग्री की रेंज में। C2 अपेंडिक्स सी का जो सेकंड पार्ट है वहां से अपन टोपोग्राफी फैक्टर K3 फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है थीटा, तो जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो टोपोग्राफी फैक्टर K3 का आएगा 1 + CS, 1 + CS मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो थीटा है वो उसकी वैल्यू 10 डिग्री है गिवन है क्वेश्चन में, तो 3 डिग्री से 17 डिग्री जो है अपनी, 3 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो अब इसमें मेरे पास दो है, पहला है सी और दूसरा है एस, इन दोनों की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सी की जो वैल्यू है मेरे पास फॉर्मूला आता है 1.12, सॉरी 1.2 Z/L। अब ये Z क्या है, L क्या है, ये अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, और 17 डिग्री से अगर ज्यादा होती है तो आप C की वैल्यू सीधा 0.36 ले लेते हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं वापस, तो मेरे को यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला लगाना है पेज नंबर 56 पे, मुझे K3 का फॉर्मूला गिवन है 1 + CS। अब मुझे C और S की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद मुझे K3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 से 17 डिग्री दे रखा है, तो सी की वैल्यू 1/2 Z/L होगी, और थीटा अगर 17 डिग्री से ज्यादा है तो 0.36 होगी। अब जेड क्या है और एल क्या है, क्वेश्चन गिवन है अपने को, क्वेश्चन में मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन में मुझे दो चीजें गिवन थी, एक तो हाइट ऑफ हिल गिवन थी, एक लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट गिवन थी, और ये डायरेक्शन मेरी जो है वो विंडवार्ड डायरेक्शन है। तो अब ये तीनों चीजें समझना है, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, सभी को विजिबल है ना स्क्रीन, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, तो अब मेरी बात सुनिए, अब जो हाइट ऑफ हिल है वो तो हो गई मेरी जेड, ठीक है, और क्रेस्ट की जो वैल्यू है लाइक इस हिल से ये जो 200 मीटर पे क्रेस्ट आ जाता है अपना, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपके पास क्रेस्ट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास देखिए, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे पास जो फॉर्मूला था वो Z/L इफेक्टिव, तो थीटा मुझे गिवन है 10 डिग्री,
हाइट मुझे गिवन है, हाइट मुझे गिवन है 900, तो मुझे फाइंड आउट करना है एल इफेक्टिव, ठीक है, मुझे एल इफेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो एल इफेक्टिव मैंने टेन थीटा बराबर जेड बाय एल कर दिया 900, ठीक है, और एल की मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी, मतलब तो इससे मेरे पास जो एल इफेक्टिव की वैल्यू आई वो आई 5104.15, ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक, सिंपल मैथमेटिक्स। हाँ सर, क्लियर। एक सेकंड, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो एक बार, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, तो आप उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 5104.15 किसकी आ गई, एल इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू देखो, सी वन में ये क्लोज गिवन है अपने को कि अगर मेरे पास 3 से लेकर 17 डिग्री तक अगर मेरे पास थीटा होता है, तो मेरे पास जो एल इफेक्टिव है वही मेरी एल होगी, क्योंकि वहां पर मेरे को फॉर्मूला में जेड इज इक्वल टू एल इफेक्टिव लेना था, ठीक है। तो ये मैं वापस सी वन क्लोज पे आ जाता हूँ, देखिए अगर स्लोप की वैल्यू 3 डिग्री से 17 डिग्री है, तो मेरा जो एल इफेक्टिव है वो एल ही होगा, अगर 17 डिग्री से ज्यादा हो जाती है तो वो जेड बाय 0.3, सीधे अपन जेड बाय 0.3 कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं उसमें, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन है दोनों, ये पेज नंबर 55-56 पे आपको गिवन है। तो मेरे पास आप मैं सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मेरे पास सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1.2900 बाय 51.05 जब मैंने किया, तो मेरे पास जो सी की वैल्यू आई वो आ गई मेरे पास 0.21, ठीक है। अपने को K3 की वैल्यू निकालनी है, K3 की वैल्यू होती है 1+CS, ठीक है, तो K3 की वैल्यू 1+CS होती है मेरे पास, तो C की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब मुझे S की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो S की वैल्यू जो है मेरी वो डिपेंड करती है X बाय L इफेक्टिव और H बाय L इफेक्टिव पे, यहां पर अभी डायग्राम आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अपविंड या विंडवा डायरेक्शन है, डाउनविंड या जो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक्स बाय एल ई दिख रहा है एक साइड में एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मुझे एच बाय एल ई नजर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब एक्स बाय एल ई क्या होता है और एच बाय एल ई क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका फिगर नंबर 14 है अपना, वहां से अपने को एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फैक्टर एस फॉर क्लिफ एंड जो भी है, यहां तक क्लियर है, नहीं सॉरी अपने को 15 देखना है, फॉर रिज एंड हिल के लिए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूं आपके लिए यहां पर, ठीक है। तो एक्स बाय एल ई, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए हाइट तो जो एच तो अपनी जो हिल की हाइट हो जाएगी सीधे 900, एल इफेक्टिव अपना एज इट इज, अब एक्स क्या है आपकी हाइट अपने को सॉरी हाइट अपने को फाइंड करनी कहां पर, क्रेस्ट पे, क्रेस्ट की जो हाइट थी आपकी 200 मीटर थी, तो आप सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स लगा लोगे कि ये वाली टोटल डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस अपॉन हाइट अपॉन एल माइनस 200, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले को लगा लेते हो तो आपके पास जो हाइट आ जाती है क्लियर, वो 864.73 मेरे पास हाइट आ जाएगी। हाइट आ गई समझ में सभी को, सर वापस बताओ डायग्राम सर। बेसिक फॉर्मूला लगाया, देखिए यहां पर इसकी 900 है, इसकी 5104 है, ठीक है, और ये क्रेस्ट पे अपने को हाइट फाइंड करनी है 200 मीटर दूरी पे, वो कहीं भी हो सकता है, तो 200 मीटर दूरी पे अपने को फाइंड करनी है उसकी हाइट। तो मैंने क्या किया, यहां पर 900 नीचे चला, मतलब 900 डिवाइड बाय एल इफेक्टिव और एच, ये वाली जो हाइट है मेरी एच एच डिवाइड बाय ये वाली डिस्टेंस एल माइनस 200, ये दोनों क्या होगी बराबर होती, जो ट्राइंगल्स के लो होते हैं ना, ट्राइंगल्स के लो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उनका रेशियो होता है वो एक ही ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है और दोनों पैरेलल है तो 10th क्लास का, ठीक है, तो उन दोनों का जो रेशियोज है वो सिमिलर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन एच अपॉन एल ई माइनस 200 और 900 अपॉन एल ई कर लेते हैं, यहां से मेरे पास एच की जो वैल्यू आ जाती है वो 864.73 आ जाती है। सभी को क्लियर है, सर सी की वैल्यू बताओ एक बार वापस। सी की वैल्यू बताऊं वापस,
देख सी की वैल्यू जो है अपने को क्वेश्चन में गिवन है 3 से 17 डिग्री के बीच में तुम्हारा एंगल आ रहा है 10 डिग्री क्वेश्चन में। हेलो हाँ सर, हाँ है ना, तो वहां से अपना फॉर्मूला आ गया है पेज नंबर 56 से कि है मेरा। ठीक है यहां तक तो क्लियर ही है। हाँ तो जेड और एल ई अपने को फाइंड करना है। जेड अपने को गिवन है हाइट ऑफ हिल और एल ई को फाइंड करना है। अब एल इफेक्टिव अपन किससे फाइंड करेंगे, अपने को जो थीटा गिवन है टेन थीटा, टेन थीटा अपने को 10 डिग्री गिवन है, तो जेड अपॉन एल तो 900 अपॉन 10 थीटा जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5104 है। आप आपके मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं अभी, ठीक है आपके मोबाइल में चेक भी कर सकते हो कि यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। 900 बटा 10 10 डिग्री आप करके देखोगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है क्लियर है यहां पर सभी को। और ये बात अपने को बोली गई है कि जो अपेंडिक्स सी वन में कि 3 से 17 डिग्री के बीच में अगर है तो आपको एल एल इफेक्टिव ही लेना है। अगर 17 डिग्री से ऊपर जाता है तो वो हाइट अपॉन 0.3 हो जाएगा एल। और उसके बाद अपन ने क्या किया, 1.2 × Z/L लिया और उसकी जो वैल्यू आ गई सी की वैल्यू 0.21 आ गई मेरे पास। यहां तक क्लियर है सभी को। ओके सर। हाँ अब एस की वैल्यू एक्स बाय एल ई और एक्स बाय एल ई पर डिपेंड करती है। ठीक है अब मिनट क्लियर है सभी को। देखो एक्स बाय एल ई, सॉरी ये मैंने यहाँ 200 था, मेरे से गलती हो गई, यहाँ एक जीरो और लगा लेना 200। ठीक है और एच बाय एल ई 864/75 अपॉन जो भी है आपने इसकी वैल्यू निकाली 0.039, 0.169 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे फिगर नंबर 15 से पेज नंबर 57 जो कि मेरा हिल और क्रेस्ट के लिए मुझे गिवन है, अब यहां से मुझे देखना है। यहां तक क्लियर है सभी को। क्यों ये जो फिगर है यहां देखना है मुझे, अब यहां देखना मेरे पास 0.39 कुछ वैल्यू आ रही थी एक्स बाय एल की तो मैं यहीं कहीं आएगा मेरा, और यहां पर जो मेरी वैल्यू आ रही थी वो 0.16 के आसपास आ रही थी। ठीक है तो मेरी इसके तीन पार्ट कर देंगे अगर अपन तो यहीं कहीं अपनी वैल्यू आएगी, तो 0.7 के अराउंड मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जब आप आपके उसमें देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 0 से 0.5 है तो इसके तीन टुकड़े लगभग 17 51 होता है ना, तो 0.17 है अपने पास। जब आप इसके तीसरे टुकड़े से जब यहाँ चलोगे तो लगभग 0.7 मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्लियर है सभी को एक बार। हाँ सर, क्लियर। तो सिंपल मेरे पास K3 की वैल्यू आ गई 1+CS 0.21 और 0.7। ठीक है ये पेज है ना, उसके बाद K3 की जो वैल्यू आई 1.147, अपन इसको राउंड फिगर में 1.15 ले लेते हैं, तो मेरे पास K1 K2 K3 की वैल्यू अवेलेबल है, मेरे पास बेसिक विंड स्पीड अवेलेबल है, क्या मैं VZ डिजाइन विंड स्पीड निकाल सकता हूं और PD डिजाइन विंड प्रेशर निकाल सकता हूं। ठीक है तो अपने को सिंपल फॉर्मूला लगाना, मेरी बात सुनिए। देखिए बिल्डिंग की अलग अलग हाइट पे अलग अलग विंड प्रेशर लग रहा है आपका, तो अपन क्या करते हैं कि अलग अलग उसकी जो कैलकुलेशन है आपको बार बार K1 K2 सॉरी K2 की वैल्यू चेंज कर करके आपको बार बार PD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, अपन उसके लिए ऐसा करते हैं कि जो मैं सिंपल सी बात है मैं एक लिस्ट बना लेता हूं क्या, कि सबसे पहले मैं हाइट लिख लेता हूं 10 15 20 30 और 34, मैं डिजाइन विंड स्पीड लिख लेता हूं 50 50 50 50 50, K1 की वैल्यू लिख लेता हूं सभी के लिए। देखिए सिर्फ इसमें जो वैल्यू चेंज हो रही है वो K2 की चेंज हो रही है, K2 की वैल्यू चेंज हो रही है यहां पर, K3 की आपके लिए सेम वैल्यू है। ठीक है और मेरे पास जो है VZ क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है आपको, या तो सभी पे निकालो वो कह देगा कि हाइट 20 मीटर पे आप विंड प्रेशर निकालो, 30 मीटर पे आप विंड प्रेशर निकालो। ठीक है तो वो क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है अपने को वैसे ही उससे डील करना है। ठीक है तो मेरे पास जो है VZ की डिफरेंट वैल्यू आ गई
ठीक है, 56.91, 59.23, 60.98, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल फॉर्मूला लगाया है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो VZ की वैल्यू आ गई। ठीक है, और PD जो है मेरा, यहां पर मैंने क्या करा, 0.6 × VZ का स्क्वायर कर दिया क्या। ठीक है, VZ का स्क्वायर कर दिया है ना, VZ का स्क्वायर कर दिया सिंपल, तो मेरे पास PD की ये वैल्यू आ गई और यहां पर आपका ये क्वेश्चन ओवर हो जाता है। ठीक है, आप यहां से अब किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन विंड प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन में कई बार सीधे वैल्यू दे देता है K1 K2 K3 की, तो वो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, अगर एग्जाम होते हैं तो ये गारंटी है कि ये वाला क्वेश्चन आपको मिलना ही है। और कम से कम ये इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, लाइक 5 से 16 नंबर तक वेरी करती है, डिपेंड करता है उसकी मतलब टफनेस पे। अगर आपके 10 से 15 नंबर इस क्वेश्चन की वजह से आ जाते हैं तो आप अपने जो पास होने की तरफ आप अपना एक कदम आगे बढ़ा लेते हो। तो ये विंड वाले जो दोनों तीनों क्वेश्चन हैं, अपन एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो, यस सर क्लियर है। सभी लोग एक दो दिन और बोलो, कि अकेले ही पढ़ रहा था, रवि अकेला ही पढ़ रहा है। हाँ सर क्लियर है सर। आ गया ना एक बार, अब देखो मेरी बात सुनो, एक आध क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल घर से करके देखना, नहीं आता है तो पूछ लेना, जैसा भी है ये क्वेश्चन आपके गारंटीड, मतलब इस ऐसा ही क्वेश्चन आपके, मैंने सारे उसके एस्पेक्ट लेके 10 डिग्री लेके उसके सारे केसेस आपको समझा दिए। जनरली जो अपना की वैल्यू होती है वो 3 डिग्री से कम होती है, ठीक है, तो वहां पर आपको इतनी परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो मृदुल अब आया है ना, अभी अपने को ऐसी, तो अपनी क्लास जो है अब ओवर हो चुकी है एक बार, तो ठीक है, आई विश सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है सभी को? तो यस सर। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल करें घर पे, ठीक